मैं डॉक्टर त्रिपाठी और हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमें ये बहुत आसान सा रिजल्ट है पर इसको इंडक्शन का यूज करके प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। वी आर सपोज टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है यूजिंग इंडक्शन, इंडक्शन का यूज करके। तो मान लीजिए कि ये नंबर 1 है विच इज टू बी प्रूव। तो वही इंडक्शन का प्रोसेस फॉर एन इज इक्वल टू 1, एन की वैल्यू अगर 1 है तो फॉर एन इज इक्वल टू 1 डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, आपको मालूम है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1 इज 1 और इसकी वैल्यू आपको मालूम है, यू इट इज नोन टू यू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 1 इज 1 और इस 1 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 विच इज सेम एज 1 विच इज सेम एज 1 विच इज सेम एज 1 फॉर एन इज इक्वल टू 1 देयरफोर दिस 1 इज ट्रू फॉर देयरफोर 1 इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1 जो इंडक्शन का प्रोसेस है। अब हम अज्यूम करते हैं लेट 1 बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 2, 3, 4 अप टू के तक ट्रू है, तो कौन सा रिजल्ट ट्रू होगा, अगर इफ इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के देन इट बिकम ये होगी डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर के इंटू एक्स टू द पावर के माइनस 1। इसको मान लीजिए कि ये नंबर 2 है। अब हमें एन इज इक्वल टू किसके लिए प्रूव करना है, आपको मालूम है के प्लस 1 के लिए, तो फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 इंडक्शन के प्रोसेस के हिसाब से और एन इज इक्वल टू के प्लस 1 डी डी एक्स क्या होगा, देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर के प्लस 1 ये डी डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर के प्लस 1 आप इसको लिख पाएंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर के इंटू एक्स। अब आप प्रोडक्ट रूल लगा लें फर्स्ट इंटू सेकेंड मान के, क्योंकि डिफरेंशिएशन के रूल यूज कर सकते हैं आप इसमें, तो ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर के एक्स कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड कॉन्स्टेंट फर्स्ट कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। ये रिजल्ट जो हमने ट्रू माना था, कौन सा रिजल्ट ट्रू माना था, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर के, इसकी जगह लिख देंगे k इंटू एक्स टू द पावर k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स टू द पावर k इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1। अब क्या लिख सकेंगे, लिख सकेंगे k इंटू एक्स टू द पावर, ये पावर ऐड कर दी k माइनस 1 प्लस 1 k प्लस एक्स टू द पावर k, और ये रिजल्ट कहाँ से लिखा था हमने, ये रिजल्ट हमने लिखा था 2 से, तो आप यहाँ कोट कर सकते हैं फ्रॉम 2। ये हो गया आपके पास एक्स टू द पावर के कॉमन के प्लस 1 एक्स टू द पावर के विच यू कैन राइट, इसको आप लिख सकते हैं के प्लस 1 एक्स टू द पावर के प्लस 1 माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट साइड, देखिए क्या है इसकी लेफ्ट साइड है एक्स टू द पावर के प्लस 1, ये है इसका डेरिवेटिव। और अगर आप एन की जगह के प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ भी यही आएगा के प्लस 1 के प्लस 1 के प्लस 1 माइनस 1, तो हम लिखेंगे विच इज सेम एज 1 फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 हेंस 1 इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मीन्स 1 इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो दिस वॉज द प्रूफ ऑफ
this particular question, question number 19 of miscellaneous exercise, chapter number 5, class 12th, NCERT. अगर आपको और कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं. मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. और कोई अर्जेंट बात पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इस नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लस 9196856980 56. ये व्हाट्सएप नंबर है. अगर आप क्विक रिस्पांस चाहते हैं, कोई बात बहुत जल्दी पूछना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट.